गया मतलब सारे काम करता हूँ, दिंगा हो गया मच्छर भी करता हूँ, सारे किस खाना पैसा मांग के आएगा धमको करके बना देता हूँ, दिंगा मांगता है करता दो चार लपड़ भी लगा देता है। तब तो 797 रुपया का लॉकडाउन में बच्चे काटे थे, लॉकडाउन लग गया, चार बच्चे वाले खा गया, सात लगन बेचारा ये क्या करेगा, मतलब आपसे पूरा काम लेता है दिहाड़ी नहीं देता है। मेरे दिहाड़ी मिल रहा कहाँ, कहाँ दिहाड़ी नहीं मिलता है, अब आप एसपी साहब से मिलने आए हैं। एसपी साहब से मिलवाइए, हम लोग का इंसाफ चाहिए। आप ही छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे काम कर लेते हैं आप लोग, इतना ज्यादा गर्मी है, बीमार जमा पड़ता, पैसा नहीं अपना भूखे खुराकी काट के बच्चे के भाड़ा लेके आते हैं जाते हैं, क्या करें क्या करें, बीमार हो जाते हैं बच्चे, बच्चे के लड़का बोलता है सरकारी में चले जाओ, सरकारी में जाओ, सरकारी में तो बाहर से भी दवाई लिख देता है, पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से लेगा, कहाँ से लेगा, कुछ ही दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती है बाकी नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, क्या कहते हो ठीक है आपको, हम लोग तो चाहिए रेट बढ़ाने के लिए चाहते हैं, बस हम लोग रेट बढ़ाएगा पर बढ़ाएगा रेट, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस प्रकार से इतनी गर्मी में, जी हाँ इतनी गर्मी आमतौर पर किसी भी इंसान से बर्दाश्त नहीं होती है, ये तो छोटे छोटे बच्चे सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बीमार भी होते हैं बाकी सारी चीजें भी है, तो आप लोगों से हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इतनी गर्मी में इतनी मेहनत करने के बाद अगर इनको जो मजदूरी फिक्स की गई है अगर वो भी ना मिले तो इनको क्या मिलेगा, इनका घर का इनके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, और वैसे भी आप लोगों को ये बता दें कि ये दूसरे स्टेट से आकर यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर काम ज्यादा है, इसी के चलते जो ये लोग आते हैं, लेकिन काम ज्यादा है लेकिन मजदूरी वही कम है, इनका जो वहाँ से आने जाने का है उसमें ही चला जाता है सारा पैसा, बीमारियों में चला जाता है, तो काफी ज्यादा परेशान है और काफी असुविधा से ये जीवन गुजार रहे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।